Hey guys, welcome to my channel. My name is Priyadarshini Garg and in today's video I will share an easy tutorial of smoky eye look. So let's get started. And trust me, बहुत ज़्यादा easy हो गई है अगर आप जैसे मैं बताऊँगी बस वैसे करना है आपको. तो सबसे पहले आई एम गॉन यूज नायका का कोल पेंसिल एंड सारे अफोर्डेबल मेकअप है जिससे मैं आपको करके दिखाऊँगी. आई एम अप्लाइंग दिस ऑन माई आईलिड. इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. अब हम इसको करेंगे ब्लेंड अच्छे से ब्लेंड कर देंगे. मेक श्योर आपका जो ब्रश हो वो स्टिफ हो, ज़्यादा सॉफ्ट ना हो, इतना ही रहेगा. बिकॉज जब हम अपने आईज खोलें तो इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. अब मैं अपनी क्रीज पे अप्लाई करूँगी ये वाला. मेक श्योर जो आपका ब्रश हो वो थोड़ा आगे से थोड़ा सा पॉइंटेड हो जिससे क्रीज पे ही रहे आपका सारा प्रोडक्ट. हम इसको धीरे धीरे बिल्डअप करेंगे. ओके, क्रीज पे हमारा लग गया है. एंड दोबारा से मैं अपनी कोल पेंसिल लेकर आईलिड पे अप्लाई करूँगी एंड इसको ब्लेंड कर देंगे फिर हम जल्दी से. मेक श्योर कि जैसे ही आप लगाओ तुरंत ही ब्लेंड कर दो बिकॉज फिर वो ड्राई हो जाएगा. फिर ड्राई होके ब्लेंड नहीं होगा फिर आपका पैची लगेगा. हैव टू ब्लेंड दिस कलर सीमलेसली क्योंकि इसको हमें थोड़ा ग्रेडियंट वाला लुक देना है. एंड अब मैं थोड़ा फ्लफी ब्रश लेके ये वाला शेड अप्लाई करूँगी मेरे क्रीज के ऊपर यहाँ पे. मैं बस यहीं तक लेके जाऊँगी बिकॉज यू कैन सी माई आईब्रोज आर नॉट लाइक आईब्रो वाली आईब्रो. ओके, ये हो गया हमारा. अब जिस ब्रश से हमने कोल पेंसिल ब्लेंड करा था उसी ब्रश से आई विल अप्लाई दिस ब्लैक आई शेडो ऑन माई आईलिड. ये और ज़्यादा इंटेंस लगेगा एंड लोग जितना इंटेंस चाहते हो उतना कर सकते हो. आपको बार बार वो अप्लाई करके बार बार ब्लेंड करना होगा. एंड क्रीज पे हम अच्छे से ब्लेंड करेंगे. इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस. स्मोकी आई लुक हमारा ऐसा अगर ये ना कैसे भी कहीं पे भी किसी भी आउटफिट के साथ चलता है. सिंपल से सिंपल एंड हैवी से हैवी आउटफिट. अब हम अपनी लोअर लैश लाइन पे भी करेंगे. तो उसके लिए पहले मैं अपनी कोल पेंसिल अपनी लोअर लैश लाइन पे लगाऊंगी. एंड अब आई विल स्मज इट आउट. ओके, तो ये हमारा हो गया है. अब मैं इस पर करने जा रही हूँ जो हमने क्रीज पे कलर करा था वो वाला. जो मैंने अपने यहाँ पे कलर लगाया था वही कलर ले रही हूँ वापस से. थोड़ा सा यहाँ फॉल आउट हुआ है कि इस वाले ब्रश से मैं सब कुछ ब्लेंड कर रही हूँ कि हमारा और सीमलेसली ब्लेंड हो जाए. ऐसा कोल पेंसिल हम अपनी वाटर लाइन पे और लगा देंगे जिससे और इंटेंस हो जाए ये. एंड साइड में इनर कॉर्नर पे मैं ये वाला कलर अप्लाई कर दूँगी जल्दी से. ओके, तो वो वाले शेड भी हमने अप्लाई कर दिया है. And this is looking so pretty. And off camera मैं जल्दी से अपनी दूसरी आई कम्प्लीट करके आती हूँ. So okay guys, so I am back and मैंने दोनों आईज कम्प्लीट कर लिया एंड मस्कारा भी लगा लिया है.
गाइज दैट वॉज इट फॉर टुडे. वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन. अगर आपको थोड़ी सी भी मदद हो इस ट्यूटोरियल से सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल. इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट. प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन. शेयर दिस वीडियो. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.